मेरठ तो जुड़ ही जाएगा मतलब इससे। मेरठ तो जोड़ दिया, जुड़ नहीं जाएगा, जोड़ दिया बस, ये एक्सप्रेसवे और तैयार हो जाए और फिर तो 35 मिनट में दिल्ली, 35 मिनट में दिल्ली, 35 मिनट में दिल्ली है, खेच के जाओगे तो 25 मिनट में। रोड अच्छी हो रही है कुल मैं कह रहा हूँ, ऐसी रोड ही नहीं बनी गई पूरे इसमें उत्तर प्रदेश में। कितने का प्रोजेक्ट है ये? 40,000 करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट है, मतलब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे लगभग 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 4,000 करोड़ का होगा, 40,000 करोड़ का है सर, 4,000 करोड़ का तो 2-3 पुली बनेंगे वो खत्म हो जाएगा, 40,000 करोड़ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, लेके सराय खाले खां से और लेके आपका प्रतापपुर मेरठ पे जाके ये पुल समाप्त होगा। हाँ, जो ये जमीन से 6 फुट 7 फुट, अच्छा हाँ बिल्कुल होगा क्योंकि लैंड एक्विजिशन भी हुआ है ना इसमें बहुत बड़ा, इसमें जो सारे पुली बन रहे हैं जहाँ भी कुछ है तो वहाँ पुल है, ये नहीं है कि आप टोटल इन्वेस्टमेंट 40,000 करोड़ का है, 40,000 करोड़ का है, और बढ़ गया हो तो कह नहीं सकते। किससे बात हुई तुम्हारी 40,000 करोड़ का, किसने बताया? ये मोदी जी ने बताया था। अच्छा मोदी जी, हाँ मोदी जी ने ये 35,000 करोड़ रूपए में हरी झंडी दिखाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जिस दिन ये आए थे मेरठ तो उन्होंने 35,000 करोड़ से इसकी लागत बताई थी, पर ये 5,000 करोड़ रूपए और इसका प्रोजेक्ट बढ़ गया क्योंकि मिट्टी है, खनन है, ऐसी चीज, लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट बढ़ गई, कई सारी चीजें से काफी वो बढ़ गया, तो इसीलिए मोदी जी ने मेरठ वासियों के लिए रोड नो डाउट बढ़िया बन गया है। हाँ। मेरठ की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, मेरठ से आगे है ही कनेक्टिविटी और अच्छी, वहाँ से बाईपास है देहरादून तक के लिए, लोग देहरादून भी जा सकते हैं, दिल्ली वालों के लिए फायदा है, दिल्ली वाले, गाजियाबाद वाले, नोएडा वाले, सबके लिए फायदा है इसमें तो। आदमी जाम में जो घूमता था वो जाम से मुक्त हो जाएगा। सही बात है, कनेक्टिविटी बढ़िया होगी तो सारी चीज बढ़िया। मोदी नगर, मुरादनगर, ये ऐसे पॉइंट थे जो बिल्कुल आदमी जाना भी पसंद नहीं करता। अब डीएमई के बनने से जो है देखो भीड़, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देखो सर कैसे चल रही है, जा रही है, साए साए को है ही नहीं, चलाने में मजा आ रहा है, आदमी खाने भी खा सकता है, पानी भी पी सकता है, आदमी मतलब सबको आम कर सकता है, आराम से भी अपना एक पैर घर रख के चला सकता है। सही बात, जाम में तो आदमी की नजरें बिल्कुल सड़क पर रहती है, क्लिच वगैरह ज्यादा नहीं लेना पड़ता, ज्यादा नहीं लेना पड़ता, गियर अपना ज्यादा रिवर्स नहीं करने पड़ते, एक ही डाल दो तो टाप टाप गाड़ी चलती रहे, चलती जाएगी। अब आप भी देख लो ना, कहीं दिखाई दे रहा हो तो बताओ, ये देखो कैसे जा रही है गाड़ी, रेंट बढ़िया बढ़िया है, रोड भी ऐसी है चिकनी, पानी के गिलास रख दो तो खिले नहीं पानी। मेरठ के लिए फर्स्ट क्लास कनेक्टिविटी कुल मिला के मोदी जी ने 100 सौगात मेरठ को दी है, बहुत बढ़िया। और डीएमई और बन जाएगा तो मेरठ की कनेक्टिविटी दिल्ली से इतनी बढ़िया हो जाएगी, मेरठ दिल्ली हो जाएगा समझो, दिल्ली मेरठ दिल्ली हो जाएगा, मेरठ दिल्ली हो जाएगा, कौन दिल्ली जाएगा फिर तो मेरठ में, मेरठ पर फोकस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट का फोकस है इस टाइम मेरठ पे, पूरा मेरठ पे जी सर, कोई माने या ना माने पर पूरा मेरठ पे इस टाइम मोदी जी ने अपना जी खोल के लगा दिया, पैसा ले लो भरो और करो से कनेक्टिविटी के लिए, उसमें दिल्ली वालों के लिए भी फायदा है। दिल्ली वाले जाते हैं वो गाली देते हैं यार, कितना बुरा जाम है यहाँ पे मेरठ में और मोदी नगर में और गाजियाबाद में, मुरादनगर में आओ, जाम देखो अब बिल्कुल दिख नहीं रहा है इस पे, मेरठ जा रहे हैं, मेरठ जाते हुए रस्ते में एक दो गाड़ी इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, जाम नहीं लगेगा कहीं पे। अब ये देखो ये सपा सरकार ने बनवाया था ये हज हाउस, इसमें पता नहीं कितना करोड़ रुपए बेकार कर दिया लोगों का, क्या फायदा मिल रहा है इस चीज से? कुछ भी नहीं, कुछ है ये बताओ, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ सर, ये देखो आप इसे दिखा भी सकते हो लोग, मोदी जी का फोकस जो है मतलब विकास पे है, विकास पे है, रोडों पे, विकास रोडों पे, अच्छी कनेक्टिविटी लोगों को मिले, अच्छा वो मिले, मेनली कनेक्टिविटी पे ज्यादा, राष्ट्रीय राजमार्ग पे ज्यादा फोकस है मोदी गवर्नमेंट का, तो देखो दिख भी रहा है दिल्ली जैसी जगह में हम इतना फ्रीली जहाँ जो है, मोदी जी ने हर जगह ये आपको बताओ गैस कनेक्शन वाली, उसमें गैस कनेक्शन मिला लोगों को, गैस कनेक्शन फ्री मिल रहे हैं, सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं, तुम्हें भी मिला है फ्री? एक मुझको मिला, सिलेंडर मिला, गैस चूल्हा मिला, रेगुलेटर मिला और जो पाइप मिला और वो चलाने वाला क्या बोलते हैं उसको, तो पैसे भी देने पड़े कुछ? उसमें सिर्फ ये है 1,000 रूपए आपको देने थे जो भरा हुआ सिलेंडर मिला है। अच्छा 1,000 रूपए मतलब गैस के पैसे? गैस के पैसे लिए हैं उसमें आपके, और 240 रूपए उसकी पर्ची के, गैस के पैसे और 240 रूपए पाइप के, 1,001 रूपए आपको देने पड़े, 800 रूपए गैस के और 200 रूपए सिलेंडर भी तो लगा लो सर, सिलेंडर कितने का आ रहा है? हाँ वही 800 रूपए का आ रहा है गैस का भरा हुआ सिलेंडर, नहीं वैसा सिलेंडर, पहले तो कनेक्शन 3,500-4,000 रूपए 4,000-5,000 रूपए खर्च करते तो उसमें भी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, यहाँ घर बैठे मिल गया कनेक्शन लोगों को, तो ये तो उज्ज्वला योजना में मिला होगा आपको। हाँ जिला योजना, तो अब क्या राजनगर पहुँच गए हमें? हाँ राजनगर आ गए सर हम, ये चौक लेते हैं बिल्कुल, एक अभी यहाँ से मेरठ के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है अभी,
क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है, एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, यहाँ से आगे हमें ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया। देखो ये ट्रक आगे हाथ देकर खड़ा हो गया बावला चौधरा, ये देखो ये इंडिकेटर जला के इधर चल रहा है, ये नहीं पता कहाँ चल रहा है। बढ़िया हो गई कनेक्टिविटी है, तक यहाँ तक सही था और आगे देख सकते हैं आप। अभी राजनगर से आगे दिक्कत होगी, यहाँ तो ठीक है अभी। राजनगर तक तो ठीक ही रहता है, उसके बाद में पता चलता है। सही है, जो मोदी जी के टाइम पे काम नहीं करेगा उसे मोदी जी सरकार बाहर निकाल रही है, जेल में डाल रही है। अब देखो पुलिस वाले कितने खड़े हैं, हर चौक ले पुलिस वाले, हर चौक ले पुलिस वाले, हर जगह चेकिंग चल रही है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो अपने गाड़ी में यहाँ हुआ, कुछ नहीं। हमारी भी चेकिंग हो गई रस्ते में, हमारी भी रस्ते में देखो चेकिंग करी उन्होंने, कुछ भी करा तो है ही। गलत जा रहे हो तुम, गलत क्यों, उन्होंने ये करा ये करा। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए चेकिंग, होनी चाहिए। और आपने देखा ही होगा दिल्ली में कितनी जगह पुलिस खड़ी है, फोर्स खड़ी है पूरी, इस टाइम पूरा भरपूर वो सहयोग है मोदी जी का। जो 8 बजे जो 12-1 बजे आता था, आज वो 8 बजे अपने ऑफिस में जाके बैठ जाता है, टाइम पे ड्यूटी कर रहा है आदमी। हाँ नहीं सर, और 8-8 बजे तक ड्यूटी करता है, जो 4 बजे उठ के चला जाता था वो 4 बजे भी नहीं, वो 8 बजे बैठता है। सबसे बढ़िया तो देखो ये मेरठ के लिए हम जा रहे हैं तो कितना फ्री रोड हमें मिल रहा है अभी तक, बिना ट्रैफिक है। और डीएमई जब कंप्लीट हो जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगी कनेक्टिविटी, एकदम क्लास हो जाएगी। ऐसी कनेक्टिविटी शायद ही आपको बॉम्बे से और वहां तक मिलती है, महाराष्ट्र तक, गुजरात तक। गुजरात जाके देख लो, गुजरात को स्वर्ग बना रखा है। हाँ, गुजरात में बढ़िया। उनका फोकस ये चल रहा है कि मैं पूरी इंडिया को फोकस में बना दूं, मॉडल टाइप में, कहते ना वो मेक इन इंडिया। हाँ, फिलहाल मेरठ की कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया करने जा रहे हैं, सबसे बढ़िया गुजरात में बदल दिया उन्होंने को। दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाएगी आने वाले टाइम में, साल भर की बात है सिर्फ।